धर्म और अध्यात्म की बात हो तो प्रदीप मिश्रा का नाम सबसे पहले आता है। वह अपने प्रवचनों से लोगों को सच्चाई, शांति और भगवान शिव की भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जब एक कथावाचक जो अपराध और पाप से दूर रहने का संदेश देता है, खुद ऐसे लोगों के बीच पहुंच जाए जो अपराध की दुनिया में गले तक डूबे हुए हैं, तो सवाल तो उठेंगे ही ना। हाल ही में प्रदीप मिश्रा, जो भगवान शिव की कथा के लिए मशहूर हैं, एक बड़े विवाद में फंस गए। वजह, वह दुबई में महादेव सट्टा ऐप के किंग्स सौरव चंद्राकर और रवि उप्पल के बुलावे पर कथा सुनाने पहुंचे। यह वही सौरव और रवि हैं जिनकी तलाश पुलिस, ईडी और सीबीआई कर रही है। इन दोनों पर ऑनलाइन सट्टे के जरिए हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद करने का आरोप है। सवाल ये है कि क्या प्रदीप मिश्रा को इनके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी नहीं थी, और अगर थी तो फिर ऐसा क्या कारण था कि वह उनके बुलावे पर दुबई चले गए। वो उन्हें भाई कहकर संबोधित करते हैं। क्या पैसा और ऐशो आराम किसी को इतना अंधा बना सकता है कि वह यह भी ना देखे कि वह किसके साथ खड़ा है। यह सवाल आज हर भारतीय के मन में गूंज रहा है। इस मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ अपराजिता। दरअसल महादेव सट्टा ऐप ने ऑनलाइन सट्टे को बढ़ावा देकर कई परिवारों को तबाह किया है। इस ऐप के पीछे सौरव चंद्राकर और रवि उप्पल का नाम है, जो अब भारत के मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में शामिल है। दोनों पर युवाओं को सट्टे की लत लगाकर उनकी मेहनत की कमाई लूटने का आरोप है। अब सोचने वाली बात यह है कि एक कथावाचक जो हर जगह भगवान शिव की भक्ति और धर्म का प्रचार करते हैं, आखिर ऐसे लोगों के बीच कथा सुनाने क्यों पहुंचे? क्या उन्हें इनके काले कारनामों की जानकारी नहीं थी, या फिर यह सब जानने के बाद भी उन्होंने यह कदम उठाया? इन सवालों ने हर किसी को हैरान कर दिया है। प्रदीप मिश्रा के दुबई जाने से ज्यादा चिंता की बात यह है कि वह किसके बुलावे पर गए। सौरव चंद्राकर और रवि उप्पल जैसे अपराधियों से जुड़े होने की खबर ने उनके अनुयायियों को निराश किया है। लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या धर्म और भक्ति की बात करने वाले प्रदीप मिश्रा खुद इस मामले में निर्दोष हैं, या फिर इसमें कुछ और ही कहानी छिपी है। धर्म का संदेश देने वाले प्रदीप मिश्रा के दुबई जाने पर सवाल उठना लाजमी है। क्या यह सिर्फ एक संयोग था, या फिर जानबूझकर उठाया गया एक कदम? इस मामले ने न केवल उनके अनुयायियों को बल्कि हर धर्म प्रेमी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। धर्म और भक्ति का संदेश देने वाले कथावाचकों से समाज को बड़ी उम्मीदें होती हैं। ऐसे में प्रदीप मिश्रा का यह कदम न केवल उनकी छवि पर असर डाल रहा है, बल्कि धर्म और आध्यात्मिकता के संदेश को भी कमजोर कर रहा है। अब वक्त है कि प्रदीप मिश्रा खुद सामने आकर इस पूरे विवाद पर सफाई दे। क्या यह सब सिर्फ एक गलतफहमी थी, या फिर इसमें और भी गहराई छिपी है? सच चाहे जो भी हो, लेकिन यह मामला अब हर किसी को यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि धर्म और अपराध के बीच की यह दूरी आखिर इतनी कम क्यों हो गई। आखिर सच क्या है, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन तब तक प्रदीप मिश्रा को इस विवाद का सामना करना पड़ेगा।